अभी कभी पकड़ते हैं साले को। भाई चलना पर कौन है वहाँ पे है ना वो बंदा अपनी गाड़ी देखेगा छोड़ के आ जाएगा ये बताओ ना। अब नहीं है ये लगवाएंगे अपना जो करना वो करे गाड़ी ली है पहले एक बात बताओ 15 दिन पहले गाड़ी ली है उसमें क्या मतलब वो अभी कैसे करवाएगा ठीक ये बताओ क्यों नहीं गरीब आदमी क्यों नहीं क्या चीज आप चल रिक्शा आ जाएगा तेरा रिक्शा साइड में लगा दे कोई दिक्कत नहीं है पकड़े उसको तोड़ दिया बंदे ने। अरे तो यार तुम पैसे वाले आदमी हो। अरे भाई साहब पैसे वाले हो तो क्या मतलब है चलना उसको बुलेट पे बिठा पीछे भैया ले लो कोई दिक्कत नहीं भैया को ले लो साथ में क्या दिक्कत है आप उसको उसको बुला जिसको जिसकी गाड़ी ठुकी है ना कुलदीप को। टायर इसका ना टायर खोल दिया और टायर चेंज हो रहा 3500 ये ऊपर से 300 लगाने के बढ़िया तेजी में खेसते हुए अच्छा खासा कवर कर लिया था हमने थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं बट आधे घंटे में कुछ 35-37 के आसपास कुछ कवर कर दिया था जबकि रोड ऐसा था और एक्सप्रेस वे पर थोड़ा बहुत चले पर इतने में यार गड़बड़ हो गया बिट्टू की बाइक जो है ना वो पंचर हो गई बता रहा है वो तो हम लोग आगे आके थोड़ा बहुत रुके हुए हैं देखो यहाँ पर सारे बंदे रुके हम लोग और वो अभी आ रहा है तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं उसके बाद देखते हैं हमारे पास अगर किट है शायद पंचर तो ठीक कर देंगे पंचर किट वाली पंप तो लेके आए हुए पंचर किट है पता नहीं है नहीं मेरे भाई को पता होगा शायद तो अभी आ रहे हैं उसके बाद तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं वरना तो यार बहुत बढ़िया चल रहा था अभी तक अगर हम इस हिसाब से चल रहे होते ना तो 9 बजे तक पहुंच जाते क्योंकि 4 घंटे का टाइम बता रहा है बस 4 घंटे का रास्ता यहाँ से 228 किलोमीटर बचा है तो बहुत बढ़िया जा रहा था बाकी देखते हैं अब यार क्या हुआ बाकी तो भाई सब लोग यहीं पर रुके हुए अभी मिल चुका है पंचर काफ़ी मशक्कत के बाद बहुत देर से हम ट्राई कर रहे थे और यहाँ पर है क्या है क्या ये की लगे इसमें नहीं है तो अंदर मिल जाएगी आवाज आ रही है हाँ भाई यही है ठीक है यहाँ पंचर है बस इसको एक बार फटाफट से ठीक करते हैं और जो हमारे मैकेनिक है आज भैया है मैकेनिक ये रे क्योंकि टूल किट के बारे में इनको पता है अच्छी तरह से और स्कूटी का ही पंचर एक बार पहले बना चुके हैं इसलिए आज ये बनने वाली है तो फटाफट से पंचर देख लो भाई कैसे करते हैं अगर आप राइड पे जा रहे हो और कभी कुछ होती दिक्कत तो वैसे तो लेके चलो कंपलसरी है भाई एक हिसाब से कभी भी हम छोटी भी राइड पे जाते हैं तभी ले चलते हैं तो छेदा छादी कर दिया तो देखो फटाफट से इसको कर रहे हैं ठीक ब्रेक ब्रेक दबा के रखिए ब्रेक दबा हाँ बस अब निकलेगा ना ना हो जाएगा काम बस हो गया काम तो गाइस मिशन सक्सेसफुल है बाकी पानी डाल के चेक करेंगे तो पता चलेगा अभी जो है यहाँ से निकलने तक का तो व्यवस्था बनाएंगे बाकी आगे कहीं मिलेगा तो करेंगे हाँ अब तो मेरे हिसाब से नहीं निकल रही सही हो गया पंचर और हवा भी भर दिया गया है और अब हम निकलेंगे फटाफट से अपना अपना भाई बैकपैक करो फटाफट से और निकलते हैं आगे 6 बज गए एग्जैक्ट देखो पूरे 1 घंटे लग गए भाई 5:02 पे यहाँ पे आ गए थे हम लोग तो हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा आगे अराउंड 128 किलोमीटर के आसपास तो हम लोग ऐसे रुके हुए हैं और यहाँ पे चाय बनवा ली हमने 7 जने हैं टोटल तो चाय वाय बनवा रहे हैं और बस चाय वाय पी करके आगे निकलेंगे क्योंकि सुबह तो हम लोग चाय पिया नहीं था इसलिए
चाय बनवा रहे हैं और चाय पी करके फिर निकलेंगे आगे। और यहाँ पे भी कुछ फोटोज खींच रहे हैं सारे बंदे, मैं भी फोटो लूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो गई एक और यार, बस समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैंने घर पे चेक भी नहीं किया एक बार भी, और जो GoPro में से वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बड़ा दिमाग ख़राब हो गया यार। कोई बात नहीं, तो हम लोग मैं इंट्रो इसी में स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी जो पूरी वीडियो है उसमें थोड़ी थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट में बता दूंगा, दिखा दूंगा जो है स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ हमारे साथ। जो हम लोग निकले थे वैसे तो 4:15 में हम लोग निकल चुके थे घर से, और हमारे साथ एक नए राइडर ज्वाइन हुए जो है गौतम भाई, वो आए हैं वसंत कुंज की तरफ से पल्सर पे NS160। तो बाकी हम लोग टोटल जा रहे हैं 7 जने जा रहे हैं हम लोग, और अभी हम लोग यहाँ रुक करके चाय पी रहे थे। तो अभी मैंने चेक किया तो यार वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी। तो एक तो बाइक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बाइक जो है पंचर हो गया था। पंचर होने के बाद हमने रास्ते में रोक करके, जैसे वीडियो में देख सकते हो, ये हम लोगों ने खुद जो पंचर वो ठीक करा। उसके बाद से जो मैं चला रहा था उसका जो टायर जो है ना वो हिल रहा है, तो अलाइनमेंट शायद इसकी गड़बड़ हो रखी है उस पीछे वाले टायर की, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए ना जैसे क्या नाम है, अगर हम 0 से लेकर 50 की स्पीड के बीच में चला रहे हैं ना, तो बहुत टायर हिल रहा है, बहुत ज़्यादा बाइक पूरी हिल जा रही है। तो इसलिए ना हमें उससे ऊपर चलाना पड़ रहा है, 80 के आसपास चलाना पड़ रहा है। अगर 80 के आसपास नहीं चला रहे ना तो बहुत, 80 के आसपास चला रहे तो स्टेबल है, लगभग काम चल जाएगा, बट उससे कम चला रहे ना तो बहुत हिल रही है बाइक। और यहाँ पर देखो पहाड़ ही पहाड़ है, और हम लोग आ चुके हैं अराउंड 130 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, और 150 के आसपास बचा हुआ है, बस ज़्यादा नहीं बचा, 150 है, और 11 बजे के आसपास तक पहुँच जाएंगे हम लोग। बाकी ये बाइक देखो मिट्टू की बाइक, इसलिए मैं चला रहा हूँ सिंगल बैठ करके, और पीछे पहले तो इस पर बिट्टू और भैया बैठे थे दोनों जने, बट अब बिट्टू वो चला रहा है, अपाची चला रहा है, कमजोर बैठा पीछे, और मैं मेटेर चला रहा हूँ सिंगल। और जो पहाड़ आ गया भाई, मस्त लग रहे हैं, देख सकते हो। ये बस टायर गड़बड़ हो गया, नहीं तो मज़ा आ जाता यार। तो सही है, मैंने कुछ वीडियोज मोबाइल में बना लिए थे यार, ये बड़ी दिक्कत है GoPro में ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ना इसका जो है वो आवाज़ जो है ना वो कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाता यार, बड़ी दिक्कत है। इसका जो एडेप्टर है ना वहाँ से दिक्कत कर देता है, पर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ये हमारे साथ कई बार हो चुका है। गलती हमारे भी, मैंने चेक नहीं किया एक बार भी, अब चेक किया तो फिर कोई चक्कर नहीं यार। अब तो भाई लगभग बच रहा हुआ 140 किलोमीटर के आसपास बच रहा हुआ, हमने चला दिया 10 किलोमीटर तक। और अभी पीछे बच्चे कुछ गाड़ी में से हाथ हाय हेलो कर रहे थे। और खाटू श्याम जी हम लोग जा रहे हैं, जो अभी नया बना है ना दोबारा से, जो काम हुआ है उसमें 3 महीने के लिए बंद था, उसके बाद दोबारा जो काम हुआ है उसके बाद हम पहली बार जा रहे हैं। तो एक हिसाब से वहाँ के लिए नए जब बना है उसके बाद से पहली हमारी राइड है वहाँ की। और ये मैं सिर्फ वीडियो ये दिल्ली से लेकर के वहाँ तक पहुँचने तक की बना रहा हूँ, और बाकी जो वहाँ का है क्या चेंजेस हुए हैं थोड़ा बहुत वो मैं आपको बता दूँगा क्या चेंजेस हुए हैं। और अभी तो क्या नाम है, होली का मेला कहते हैं, तो उसके वजह से अभी 24 घंटे दर्शन चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सुबह निकल गए थे जल्दी। और हमें पता था कि 11 से 12 बजे के आसपास तक हम पहुंच जाएंगे आराम से, तो बाइक गड़बड़ हो गई, नहीं तो हम लोग तो 9 बजे के आसपास पहुंचने का टाइम था, 9 बजे तक पहुँच जाते, बाइक गड़बड़ कर दी ना इसने, बट अभी भी 11 बजे के आसपास तक टाइम बता रहा है। तो हम पहुँचते हैं फटाफट से, तो थोड़ा और आगे पहुंच जाऊंगा तब मैं आपको दिखाता हूँ तो सीधा, क्योंकि अब तो भाई सीधा सीधा रोड है, और ये जो जयपुर की तरफ रास्ता जाता है वो वाला रोड हमने पकड़ा था वहाँ से, KMP से उतरने के बाद सीधा सीधा रोड, वीडियो में देख लिया आपने जैसे वही रोड सीधा सीधा, बस अब निकलना यार। इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, व्यूज वगैरह पर सब तहस नहस हो गया भाई। तो देख सकते हो अभी मैं बैठा हूँ अपाची पे, और जो हमारी बाइक है मिट्योर उसका हमने चेक करवाया यहाँ पे, तो बोल रहे हैं टायर उसका ख़राब हो गया भाई, टायर ही खेल खत्म हो गया टायर का, अब नया टायर लगवाना पड़ेगा। तो मैं और कविंदर गए थे नया टायर लेने के लिए, इधर पीछे ही था MRF का, तो वहाँ से हम खरीद के लेके आए, देख सकते हो ये रहा
3,500 का बता रहे थे, तो 3,500 में बातचीत कर करा कर लेके आए हैं। अब यहाँ पे टायर लगवाएंगे, देखो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बस लगवाते हैं भाई। तो अब टायर वो करवा रहे हैं हम लोग, चेंज करवा रहे हैं, नया टायर खरीद के लेके आए, वो रखा नुकसान हो गया भाई। तो देख सकते हो यार इसका ना टायर खोल दिया और टायर चेंज हो रहा है, नया वाला टायर रखा है। देखो यार नुकसान हो गया भारी, 3,500 ये ऊपर से 300 लगाने के टायर। तो गाइस देख सकते हो ये रहा टायर और अंदर देखो क्या हो गया, पाउडर बन गया अंदर से, तो खत्म हो गया भाई। अच्छे टाइम पे हमने चेंज करा लिया, देख रहे हैं फट गया है, यहाँ फट गया है, अच्छे टाइम पे चेंज करा लिया ना, नहीं तो रास्ते में फट जाता तो दिक्कत होती भाई। ये देखो पूरा फट गया अंदर से पूरे तरफ में भाई, व्लॉगर है यार, व्लॉग बना रहे हैं, बताओ यार पूरा पाउडर। तो गाइस अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखी होगी जिसमें कि कमिंद्रा वाली अपाची आरआर खराब हुई थी, तो उसने जो मैकेनिक आया था उसने कहा था कि भाई चैन नहीं टूटेगा बेसक से, कुछ और हो जाए, वो साला पूरा चैन सेट पूरा टूट गया, आगे से गियर ही टूट गया पूरा का पूरा। और आज भैया ने बोला कि भाई पंचर नहीं खराब होगा बेसक से, टायर फट जाए, साला टायर ही फट गया लो। उस दिन भी उसमें पूरा चैन सेट नया डलाना पड़ा, भारी नुकसान, और आज भी भारी नुकसान लो। भाई चल रही थी स्लो में, पता चलेगा ना मेन तो है ना वे। सो गाइस बाइक हो चुकी है रेडी, एक बार ट्रायल ले लेता हूँ इसका चला करके, चला करके देखता हूँ कैसे चल रही है। अब मस्त चल रही है यार, अब हो गई भाई सही, मतलब अब जैसे पहले बबलिंग कर रहा था अब नहीं कर रहा, क्योंकि टायर ही नया लगाया था, बबलिंग क्या करेगी यार, पता चल जाता थोड़ी सी दूर में, थोड़ी से में पता चल जाता 120 भगाने की जरूरत। अब मस्त चल रहा भाई, अब सीधे निकलते हैं यार, यहाँ से लेट हो रहे नहीं तो ज़्यादा। तो फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से अपना टायर चेंज करवाने के बाद, और टाइम हो रहा है 9:34, 9:30 से ऊपर हो गए भाई, और जो ये इतनी सारी भड़क नहीं होती तो हम लोग टाइम पे पहुँच जाते हैं। वैसे तो 9 बजे का टाइम था, फिर 10 बजे दिखा दिया, फिर 11 हो गया, अब 12 हो गया भाई, अब 12 बजे पहुँचने का टाइम बता दिया यार। अगर इतनी सारी दिक्कतें नहीं होती तो पहुँच जाते जल्दी टाइम पर, बट अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो आप चल रही है मस्त पूरी 120 पे चल रही है, देख सकते हो पूरे 120 पे चल रही है, और जो कुलदीप है और गौतम वो आगे हैं भाई, वो 14 किलोमीटर आगे थे हमसे, इसलिए उनको वापस नहीं बुलाया हमने, वेट करो तुम वहाँ पे जब तक हम लोग टायर चेंज करवा करके आते हैं। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग थोड़ा ज़्यादा आगे, और यहाँ से बचा है बस 75 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, और टाइम देख लो 10:19 हो गए, 202 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, और यहाँ देखो पहाड़ कितना मस्त लग रहा है। पेट्रोल डलवाने गए हैं क्लासिक में और अपाची आराम में पेट्रोल डलवाने गए हैं। वो कैमरे वाला लड़का दूसरा पीछे था, वो तो वही है, यही तेरे पे हाँ, और मेरी बस के ऊपर, मैं भी राइडर ही हूँ। अच्छा गाइस, ये है वर्कशॉप, और ये भी एक यूट्यूबर है और राइडर हैं साथ ही साथ में,
तो अब देखते हैं कुछ जुगाड़ हो पाएगा तो इसका। यार बड़ी दुविधा में फंसे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम रुके हैं भाई एक जगह पर, शाहपुरा नाम है जगह का, और यहाँ पर हमने जो बाइक है हमारी पल्सर उसको यहाँ पर रख दिया हमने। और ये जो भैया हैं ये बहुत पहुँची हुई चीज़ है, ऐसे मत समझना यहाँ पर जगह देख करके। वो देख रहे हो ना लाइन लगा रखी है सर्टिफिकेट की, और इनका H2 मॉडिफाई करवाऊंगा और इनका जीनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। और इनकी बाइक देखो, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है भाई। और अभी बस हम निकलेंगे अब यहाँ से, एक बाइक हमको यहाँ छोड़नी पड़ रही है अपनी पल्सर। अब ऐसे जाने वाले हम लोग, देखते कैसे जाएंगे, अब जैसे तैसे बस पहुँचना है। और यहाँ से 60 किलोमीटर बचा है बस, बस हम निकलते हैं। ठीक है चलें। तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं यहाँ से शाहपुरा से आगे खाटू श्याम जी के लिए। और समझ में नहीं आता कि चक्कर क्या है, हर बार क्या ऐसा क्या दिक्कत है कि हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार, समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब ये तो कंफर्म रहता है। बट कोई बात नहीं यार, जाना है तो जाना है भाई, क्या कर सकते हैं, कम से कम सब सेफ है। थोड़ी बहुत चोट लगी है गौतम को और कुलदीप को, शायद थोड़ी सी लगी है, ज़्यादा नहीं लगी, बच गया। उसके पैर पे नी गार्ड लगा हुआ था, इस चक्कर में बच गया उसके, वरना पैर पे चोट लगती है, नी गार्ड लगने से बच गया उसके, नी गार्ड हल्का सा टूट गया पर बच गया, चोट नहीं लगी। फाइनली हम लोग आ तो चुके हैं, बट काफ़ी कन्फ्यूजन है इधर, अब समझ में नहीं आ रहा जाना किस तरफ है, बस चलते चलना है पूछ पाछ के। और मेन गेट ढूंढ रहे हैं, मेन गेट किस साइड है। तो गाइस मंदिर आने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला कर दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा किधर जाना किधर नहीं जाना, बिना पूछे तो जा ही नहीं सकते भाई। आ गया भाई साहब, बहुत टफ हो गया यार। तो पहले बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल अब इतना टफ कर दिया ना, बंद है। तो मंदिर किस साइड है, मंदिर उस तरफ से घूम के आना पड़ेगा। तो गाइस फर्स्ट टाइम आएंगे तो भटकते रहेंगे भाई, बहुत ज़्यादा बहुत भटकते भटकते आखिरकार हम लोग आ ही गए यहाँ पर। और यही नहीं, दूसरी बार भी आएंगे तो अभी भटकेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है ना, भूल भुलैया की तरह कर दिया गया है भाई। पहले आते थे तो बिल्कुल उस तरफ से सीधा रोड आता था, और अब बिल्कुल चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, फाइनली हम लोग आ तो गए, पर बहुत भीड़ लग रही है भाई यहाँ तो, बाहर बहुत भीड़ है। अब अंदर भीड़ होगी तो भाई लग रहा है कि रात ही हो जाएगी हमारे दर्शन, दर्शन में रात में पहुँचेंगे 2 बजे घर पे। भाई साहब ये क्या हो गया सीन, एनीवेज हम लोग फाइनली आ ही गए। सर सर उस साइड जाना हो तो, इस तरफ जाना हो तो कैसे, घूम घूम जाना पड़ेगा। नहीं नहीं हमें आना इधर ही, अपन इधर पार्किंग है ना वहाँ लगा लेते। अच्छा नहीं मतलब यूँ जा सकते ना, प्राइवेट गाड़ी लगे। अबे इधर कहाँ यार, पूरा घूम के जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा क्या पार्किंग के। अबे यहाँ फिर, अबे नहीं रहने देते हैं ना, रहने देते बिट्टू, मैं कह रहा हूँ यहीं के पार्किंग लगा देते हैं, है ना, इधर ही कोई पार्किंग लगा देते, पैसे लगेंगे बस। पर नहीं चलो चलते देखते हैं कहीं, आ जाओ मैं बताता हूँ आइडिया। भाई बहुत भीड़ है यार, नंबर नहीं आएगा भाई, बहुत भीड़ है यार,
गाइस देख सकते हो कितनी भीड़ है और ये मेला ये है, देखो यहाँ पे काली माता बनी हुई है और हम सोच रहे हैं कहीं पार्किंग ला रहे उधर जाएंगे तो बिना खाम में टाइम वेस्ट होगा, घूम करके जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम लोग यहीं कहीं लगा ले हैं। तो भीड़ में तो जाते हैं इधर लगा दे क्या तो यार देख ले भाई, हाँ इसी में लगा देते हैं, चलो चलो उतर जाओ भाई। तो हम लोग सोच रहे यहीं पार्किंग कर देते हैं, हट जा भाई हट जा। तो यार देख तो ले भाई है? अंदर जाएंगे थोड़ा सा रुक जाओ, तो गाइस हम सोच रहे यहीं पार्किंग लगा दे भाई, अंदर कितना जाएं बहुत ढूंढना पड़ेगा यार, इससे अच्छा यहीं पार्किंग लगाओ नक्की करो भाई। अबे कितना अंदर जाना है उनसे पूछ लेंगे भाई, बैग बैग भी रख लोगे क्या? तो कितना अंदर ला के लेके आना पड़ रहा है, है? वही तो जभी तो मैं कह रहा यार कौन जाएगा अब। तो हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे खाटू श्याम जी के पास और हमने अपनी बाइक लगा दिया पार्किंग में और अब यहाँ से जाएंगे हम मंदिर के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी क्योंकि बीच में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ, बाइक पंचर हो गई और फिर टायर फटने वाला था तो हमने टायर चेंज करवा दिया नया क्योंकि अंदर से दिक्कत हो गई थी, वीडियो में देख लिया हो आपने। बाकी जो है कि और जो दूसरी बाइक थी पल्सर उसका एक्सीडेंट हो गया था तो वो उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई, इसीलिए भाई लेट हो गया हमारे को आने में, वरना तो हम लोग 9 बजे आने वाले थे, 9 बजे पहुँच जाते आराम से, 9 नहीं तो 10 तो आराम से आ जाते, रुक के भी आते, अब आए हैं 3 बजे के आसपास। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। भाई बिट्टू क्या फ़ायदा, बिट्टू क्या फ़ायदा तूने बाल वे कंघी मारा है। तो गाइस अब जा रहे हैं मंदिर के तरफ और इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ, दिल्ली से जो खाटू श्याम जी की जर्नी थी ये इतनी थी, ठीक है। तो अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी पूरे खाटू श्याम जी का जो चेंजेस हुए हैं जो नया वो दिखा देंगे उसमें। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।